सो ये गाइस कैसे हो यार। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने रूम टूर की, ठीक है। तो छोटा सा मेरा एक गंदा सा रूम है, उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर तुम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र आ रहे हो या किसी भी एनआईटी जा रहे हो इन जनरल, तो ऐसे ही कुछ आपको रूम देखने को मिलेगा। सिंगल रूम है, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, पसंद आया तो यार लाइक कर देना एक बार वीडियो को। मिलते हैं बिल्कुल करिए। इधर जाके लिफ्ट दिखेगी आपको, और सबसे पहले रूम जो दिखेगा 312 ए ब्लॉक, जहाँ पे एक यूट्यूबर रहता है, और ये खुलेगा रूम। तो रूम में तब कोई एस्थेटिक नहीं है, ठीक है, काफ़ी मैसी रूम है, और मैंने इसको यार ट्राई भी नहीं करा कि मैं कुछ इसमें अच्छा कर सकूँ। तो बेसिकली आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, गेट को बंद कर देते हैं। ओके, तो यार ये मेरा बेसिकली रूम है छोटा सा, ठीक है, मतलब छोटा तो नहीं है। यहाँ पे आपको तीन प्लग्स मिल जाएंगे, एक ट्यूबलाइट का, एक फैन का, और एक छोटी वाली लाइट का, ठीक है। तो ये तीन है आपके पास, प्लस यार एक मैंने कूलर लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, यूजली इतनी नहीं होती लेकिन हाँ काम आ जाता है, ठीक है। तो यार बेसिकली ये मेरी छोटी सी टेबल है, छोटी तो नहीं है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही टेबल है। इधर आपको दिख रहा होगा ये चेयर टेबल, और यार मेरे एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड है जिसमें मैंने रिंग लाइट लगा रखी है, बाकी ये स्वीपिंग का सामान, झाड़ू वगैरह, छोटा सा डस्टबिन जहाँ पे सब कुछ रखा मिलेगा आपको। तो इतना मैं ऐसे ही रखता हूँ मैं रूम को, मुझे एस्थेटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरा इसमें काम चल जाता है। ये मेरा माइक है यार, ठीक है, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होती है आपके लिए। ये एक और यार मेरा ट्राइपॉड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड वाली वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, और ये बेसिकली मेरे जो कपड़े डेली के हैं वो मैं यहाँ टांग के रखता हूँ, और ये मेरे गंदे कपड़े जो कि बहुत सारे हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे करके धो देता हूँ मैं। एक नीचे बॉल पड़ी है जिसका यूज़ पता नहीं कब हुआ था, और ये बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन बोर्ड आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। तो बेसिकली यही मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, बहुत मज़े आते हैं इसमें सोने में, एकदम कोजी सा तकिया पिलो, और ये चादर वादर। और सबसे बेहतरीन खजाना आपको दिखाएं वो है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ मेरे खाने का सामान, ईट टेबल, बिस्किट, नमकीन, ठीक है, नमकीन तो ऊपर रखी है, और ये इसको आपको मिला है तो यार मैंने स्पीकर लिया था, काफ़ी मस्त स्पीकर है, लेने कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस हैं। बाकी अगर टेबल की बात करें तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, इसका कुछ फ़ायदा तो होता नहीं मेरे केस में, कोलगेट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, हैंड वॉश, और ये बर्तन धोने के लिए आता है आपका विम, ये इसकी हालत ऐसी हो गई है धो धो के। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉर्नविटा, क्योंकि इसके बिना दूध नहीं पिया जाता भाई। ये मेरा एक और फेस वॉश, और ये ट्राईपॉड, आपको हेयरबैंड वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, का कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बेसिक कोई कोट लिख के गया था लास्ट रूम में, सब ड्राइंग बना के गया था, मुझे नहीं पता कौन बना के गया, तब से ऐसा ही है, ठीक है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़, सबसे महंगी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो कि है मेरा लैपटॉप, जिसमें मैं अभी गेम खेल रहा था, ठीक है। तो ये मेरा प्यारा सा सेक्सी सा लैपटॉप है, मेरे रूम की शान, ठीक है। साइड में आपको देखेगी केटल, जहाँ पे दूध वगैरह उबलता है, उधर मेरा शेकर दिखेगा जहाँ पे प्रोटीन शेक्स और बॉर्नविटा वगैरह बोलता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा रूम टूर छोटा सा। अगर आपको बैल्कनी का व्यू दिखाऊं, इतना शानदार बैल्कनी का व्यू है नहीं, लेकिन हाँ देख सकते हो बेसिकली यार ये है बैल्कनी, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, इतने सारे रूम्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पे दो, ठीक है, और ये कूलर लगा है यहाँ पे। ये मैंने जुगाड़ लगा रखा है जिससे कि मुझे कोई गंदी चीज़ें करते ना देखे बाहर से। ओके, तो यही हमारी बैल्कनी थी। संकल्प का रूम इधर से जाके इधर है, तो उसका अलग कॉर्नर बन जाता है पूरा। इधर कोई इंसान हमें दिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बंद कर देते हैं इसको यार बालकनी को, और चलते हैं गंदे कपड़ों की तरफ से। तो ये है मेरा रूम, अगर आप एक बार ओवरव्यू लेना चाहें तो दिस इज़ माई रूम, ठीक है, देख सकते हो मस्त है। चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, और हाँ ये मैं फ्लोटर्स जो मैं डेली को मैं डालता हूँ, ठीक है। तो यही था मेरा छोटा सा रूम, प्यारा सा रूम, कोजी सा रूम, आपको हो सकता है पसंद आया हो। तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए हॉस्टल की मस्ती के बारे में, अभी तो आपने सिर्फ रूम देखा है, व्लॉग्स वगैरह, हॉस्टल मस्ती और कॉलेज व्लॉग, डेली लाइफ, तो भैया इस वीडियो पे 600 लाइक हो जाने चाहिए, तभी मैं वो वीडियो बना रहा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो को, ठीक है। तो एक बार बाहर चलते हैं और ख़त्म करके आते हैं वीडियो को। तो यार ये देखो, ये रूम छोड़ के संकल्प भैया इधर आके आपके लिए वीडियो अपलोड्स होती हैं, देखो राउटर के नीचे एकदम सुपर हाई स्पीड। तो यार इधर ही ख़त्म करते हैं इन सब चीज़ों को। रूम आपने देख लिया, बैल्कनी देख ली, संकल्प को आपने देख लिया, संकल्प का रूम भी आपने देख लिया। तो बस ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।